तो भगौड़ी की हो चुकी है हालत खराब, और दूसरी पब्लिक पागल कुत्ते की तरह भगौड़ी के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि उसका एक एक सच लाकर सब सामने लाकर रख रहे हैं और सब अब उसे कोई छोड़ने वाले नहीं है। आपने देखा होगा भगौड़ी आजकल बहुत परेशान, बहुत दुखी और बहुत ज्यादा कमजोरी उसको महसूस हो रही है। लपुआ जो नौकर है वो लगातार उसकी सेवा कर रहा है। आपने देखा होगा उसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज मुझे कमेंट आया था, उस कमेंट में बोला गया कि दीदी ये प्रेग्नेंट नहीं है, और इसकी जो बबीता रानी है उस बबीता रानी ने बोला है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। और मुझे नहीं पता, मैंने एक सच बात टीवी वाले की रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें बबीता रानी से बात कर रहे हैं और बबीता रानी से वो पूछ भी रहे कि क्या बबीता रानी ये प्रेग्नेंट है, तो उसका कहना मो को ना पतो भैया, मो जाको कोई ना पतो जो प्रेग्नेंट है कि ना है कि मेरा तो घर का काम चल रहा है, को मुझे ना पतो, मैं मुझे इतना फुर्सत काय को ना है, जो अपनी भाषा है वो कर रहा है। अब देख रहे हो क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग जो भी ये बातें करता है वो वायरल हो जाती है। फाइनली बबीता रानी की भी बात वायरल हो गई। इस बार बबीता रानी ने ऐसा कुछ नहीं बोला जो पिछले बार वायरल हो गया था कि सीमा को बहुत मारा जाता, बहुत पीटा जाता है। ये इस एक बात इससे क्लियर होती है कि इनका पाकिस्तान से लगातार संपर्क है, बबीता रानी का और सीमा हैदर का, और ये साथ में जो छिपकली, इन ये लोग लगातार कांटेक्ट में है पाकिस्तान से। और ये दूसरों से तो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानियों को करते हैं, तो ये पाकिस्तान के कांटेक्ट में लगातार है, वहां इनकी बात होती है। तो बबीता रानी ने क्लियर किया है, और बबीता रानी ने साफ नकार रखा है कि सीमा हैदर के परिवार यानी लप्पू के, जो सीमा हैदर का फेक परिवार है, लप्पू का परिवार, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। सच बात वाले ने उससे सवाल किया है कि नेत्रपाल आपका देवर है, आप सीमा है सचिन की वो हो मासी ताई जो भी है, तो उसने साफ इनकार किया है कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, ना ये मेरे बिरादरी के हैं, दूर दूर तक की मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। आज तक सब लोग जो कहते थे चाची 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 सचिन की, तो बबीता रानी ने साफ इनकार किया है कि मैं लप्पू की चाची नहीं हूँ, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। और साथ में अब सीमा हैदर की वाट लग चुकी है और उसके फेस से उससे हाव भाव से लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। और कई लोगों ने कहा कि जो लोग कह रहे थे प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती, उनके मुंह पे तमाचा है। तो प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है भैया, लोग आजकल आर्टिफिशियल चीजें भी अजमा रहे हैं, देख रहे हो आप, कृत्रिम चीजें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ पॉसिबल है। जिन्होंने कहा था हो सकता है, या फिर भी ढोंग कर रही है, उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि भारत में रहने के लिए, भारत को धोखा देने के लिए किस तरीके से लगातार ये महिला अपनी धोखाधड़ी और तमाम गंदगी और झूठ की दुकान खोलकर बैठ जाती है। जब इसका झूठ नहीं चलता है और फिर नया झूठ क्रिएट करती है, और कुछ लोग जो कमेंट्स में आते गालियां देते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि भैया 5,000 रुपये सुनाई मारा कि आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए दिए गए हैं। तो इतना याद रखना कि वो 5,000 आपको भारी न पड़ जाए। मंथली ने 5,000 पे किए जाते हैं, मेरे जो संज्ञान में मेरे पास जो खबर आई है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो कमेंट्स में सीमा हैदर के सपोर्ट में गालियां देते हैं आईडी, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप जाता है उन लोगों को गंदी गंदी गालियां देता है जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। इसके एवज में सीमा हैदर अपनी यूट्यूब कमाई से 5,000 रुपये हर महीने इन लोगों तक पहुंचा देती है। जब मुक्त खोरों को बैठे बैठे 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो इनको क्या जरूरत है, ये गालियां ही तो दे रहे हैं। इनको नहीं पता बबीता रानी की तरह इनकी भी लंबी वाट लगने वाली है। केवल कमेंट्स में गालियां देना, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया है इसका नेटवर्किंग की बड़ा तगड़ा है, आईडी निकल जाती है, लोग निकल जाते हैं, पकड़े जाते हैं। आप लोग एक 5,000 के लालच में इतने डूब जाते हो। आपके देश में जो इनलीगल घुसकर औरत आई है उसके लिए गंदे गंदे कमेंट्स करते अपने देश के लोगों को, हद होती है यार, किसी चीज की लिमिट होती है। तुम लोग इस हद तक गिर चुके हो, सच तुम्हें नजर नहीं आता या तुम देखना नहीं चाहते हो। सच यह है कि हमारे देश में इनलीगल घुस के आए, सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। दूसरी बात, हमारे बॉर्डर पर जो दो सिपाही सस्पेंड हुए ना, हमारे देश के नागरिक थे वो, ये तो इनलीगल घुस के आए एक पाकिस्तानी महिला है, इसका क्या लक्ष्य है हमें नहीं पता। कैसे आप लोग एक ऐसी औरत पर भरोसा कर सकते हो जो हमारे मुल्क जो पाकिस्तान के जिसे आप दुश्मन देश कहते हो, तो कैसे इस औरत पर भरोसा कर सकते हो। हमारे देश के दो सिपाही सस्पेंड हुए हैं, दो जवान सस्पेंड हुए हैं, जिसपे उनकी रोजी रोटी चलती थी, जिसपे उनकी जीविका चलती थी, उनके बच्चों का जीवन चलता था।
आपके लिए औरत देश में बैठकर ठुमके लगाकर कमा रही है वो जरूरी मायने रखता है, आपका अपना देश मायने रखता है। इतना समझ में नहीं आता कि इनलीगल घुसकर आई है। जो लोग कहते सीमा इधर नहीं जाएगी नहीं जाएगी, तो भैया ये तो हमारा कानून, हमारा प्रशासन, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा, ये न तुम डिसाइड करोगे ना हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, हम विरोध कर रहे हैं, इसके लिए हमें रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें पूरी है, हम अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और यहाँ पे सीमा हैदर के परखच्चे उड़ चुके हैं कि मोबिन मलिक सर जो है ना, ये टुच्चू मुच्चू वकील नहीं है भैया, जो कुछ भी तुम्हें गुमराह कर दे, भटका दे, तुम्हें सोशल मीडिया पे लाके वो शब्द बुलवा दे जिसका कल के दिन कोर्ट, कानून, समाज या जांच एजेंसियां प्रूफ के तौर पर तुम्हें फंसा दे, वैसे वकील नहीं है। मोबिन मलिक सर बड़े तगड़े वकील हैं और हमें भरोसा है कि वो हमेशा इंटरनेशनल मामलों पे काम करते हैं, तो बहुत आसानी से वो इस केस को सॉल्व करेंगे। उन्होंने अपना काम किया हुआ है। बजरंगी भाईजान हम इसीलिए कहते हैं, हमारी भारत से गई जो एक गूंगी लड़की थी गीता, उनको भारत लाने का काम उन्होंने किया और इंटरनेशनल मामलों के काम करते हैं, तो बहुत हर एक पॉइंट पे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। उन पे सवाल खड़े करने वाले हम कोई नहीं होते। उनके साथ इतना पर्सनल अटैक किया गया, उनको इस तरीके से जलील करने की कोशिश करी गई, उनको नीचे गिराने की कोशिश करी गई। जो व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ रहा है गुलाम हैदर का, उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते सोशल मीडिया पे, तो कोई बात नहीं। मोबिन मलिक सर ने भी आप पे कदम उठा लिया है, आप नपने वाले हो अच्छी तरीके से, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। फिलहाल सीमा हैदर नौटंकी कर रही है, सच अभी भी कुछ परसेंट डाउट है, वैसे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब जब तक हमें, क्योंकि ये महिला झूठ के लिए और भारत में रुकने के लिए, इमोशनल कार्ड खेलने के लिए, लोगों की संपत्ति बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसका कोई भी गेम हो सकता है। साथ में पिसरा लपुआ, आज लपुआ की एक वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें कह रहा है कुत्तों से शेर डरा नहीं करते। अबे तू तो कुत्तों की भी श्रेणी में नहीं आता बेटा, शेर तो बहुत दूर की बात है, तू तो कुत्तों की भी श्रेणी में नहीं आता है, तेरी इज्जत तो 2% की भी नहीं है। जब भाई जी बैठते ना बगल से बगल सटा के, एक बहन के उसमें वीडियो देख रही थी कि वो बिल्कुल हाथ से हाथ चिपका के जब भी अपने भैया के बगल में बैठती, कौन सा भाई बैठता भाई जवान, जब हमारे भी भाई बड़े हो गए थे हम उनके नज़दीक नहीं बैठते थे, हाथ से हाथ सटा के तो बहुत दूर की बात है। लप्पू तो एक किनारे पे बिल्कुल मूक दर्शक, पानी उठाने वाला, कुर्सी उठाने वाला, तमाम चीजें करने वाला, एक नौकर खड़ा रहता है, बकाया सब समझ जाइए, बकाया कह नहीं सकती सोशल मीडिया पे। तो ये है इस महिला का सच, जो हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है और हमेशा इनलीगल काम करती है, हमेशा सबको नीचा गिराने की कोशिश करती है और फिर भी सोचती है कि मैं भारत में आई हूँ तो मैं बड़ी महारानी हूँ और मैं सबके सर ऊपर तांडव करूँ। कुछ ऐसे चाटुकारों के सर ऊपर तो तांडव कर रही है जो तेरी कमाई खा रहे मैडम, और अगर तू हमारे देश में बैठी है ना तो खुददार लोग हैं जो तुझे 2 मिनट में रौंद कर यहाँ से फेंक देंगे। अब तू प्रेगनेंसी का नाटक करके भारत में बचने के, अरे भाई कुछ तो समझाओ भाई जी से, वकील जी कुछ तो समझाओ उसे, इमोशनल कार्ड नहीं चलता। आप तो, हम तो वकील नहीं है ना, हमें भी पता है, लेकिन आप तो वकील हो, क्यों उसे गुमराह कर रहे हो बेचारी को। और सीमा हैदर इतनी मजबूर, इतनी असहाय, इतनी परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ये दोनों तरफ से फंस चुकी है, बच्चे पैदा करने का शौक है ना, 2 बच्चे गुलाम हैदर के वहां हैं, तो ये कहती है कि भाई गुलाम हैदर पहले उन 2 बच्चों को देख ले, और 4 बच्चे तो खुद पैदा करके उठा के ले आई, अब 5वां 6वां 7वां तो पैदा करने जा रही है। तो भैया बच्चे ही पैदा करते रहेगी बुढ़ापे तक, जहां जाएगी वहां बच्चे पैदा करते रहेगी, और लोग तेरे बच्चे पैदा करने करने पर तुझ पे तरस खा देंगे। नो नेवर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम हमारे भारत में आए हो, तुमने हमारा भारत का कानून तोड़ा है, तुमने लोगों को गुमराह किया है, तुमने हमारे देश के वकील पर पर्सनल अटैक किया है जो गुलाम हैदर का केस लड़े थे, तुमने हमारे भारत की बहन बेटियों को गंदा बोला है, तुमने हमारे देश में रहकर उस देश की बुराई करी जहां का तुम नमक खाकर आई हो, मतलब तुम जैसे लोगों को नमक हराम कहते हैं हमारी भाषा में। और दोस्तों आप समझ सकते हो, जो महिला जिस मुल्क से आई है वहां की नमक हरामी, वहां का नमक खाके वहां की बुराई करती, तो कैसी हो सकती है। साथ में किंजा गुलाम हैदर के साथ बैठकर अगर वीडियो बनाती, लाइव करती, तो इसको बड़ी आग लग जाती, क्यों भाई तुझे आग क्यों लगती है, तू तो सब कुछ उसका लूट पाट करके बैठ गई ना, क्या गुलाम हैदर को इतना भी अधिकार नहीं है किसी के साथ बैठकर अपने कमेंट्स पढ़वाए, तुझे क्या लेना देना गुलाम हैदर से, वो किसी के साथ बैठ के कमेंट्स पढ़े, वीडियो बनाए, या वो शादी करे, तुझे क्या मतलब, तू तो कहती है ना मैंने शादी कर ली, तो तुझे काहे की आग लग रही,
क्यों बार बार किंजा पे तू अटैक करती है? क्यों ये बंदर, ये जो लप्पू है, चूहा है, ये क्यों अटैक करता है? इसकी तो बेचारे की शकल पे भी कभी तरस आता है, कभी जब ये बौखला जाता है ना दारू पी के, जब ये अद्धा पौआ देसी ठर्री पी लेता है तो ये भूल जाता है, कहता है छेलू के आगे गीदल नहीं बोले, शेरू के आगे कुत्ता भौंका करते हैं। अबे तूने देश के साथ गद्दारी करी है, भौंकने की बात तो हम लोगों से कर रहा है, तुझे भौंकने का भी मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। तो दोस्तों इनका सच सामने लाना पड़ता ही है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, वीडियो को अगर करती हो। एंड मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज से अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।